श्रीमद् भगवद् गीता का ये वो अध्याय है जहाँ अर्जुन कृष्ण के सामने व्याकुल होते नजर आते हैं और कृष्ण एक टक लगाए अर्जुन की सारी बात सुन रहे हैं। और संवाद कुछ इस प्रकार था। अर्जुन उवाच, दृष्टेव मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्रिणी मुखम च परिशुष्यति वेपयुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवम संस्रते हस्तात्व क्वै च परिद्यहते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतिव च मे मनः। भावार्थ, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। भावार्थ, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांडक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषा मर्थे काडक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे वसिष्ठा युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्राः शाल्यः संबंधी नस्तथा। भावार्थ, गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तु मिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। भावार्थ, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति ही स्याज्य नारदन पाप मेवा श्रेय दस्मान हत्वे ताना ततायिनः। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान् नारा वयम् हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनः स्याम् माधव। भावार्थ, अत एव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुम्ब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहते च तसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान्नि वर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यर्दि जनार्दन। भावार्थ, यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटना होगा।